हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सब देखिए मैं YouTube चैनल अलीना रिएक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा, इब्राहिम फैमिली की इकलौती बहू दीपिका कक्कड़ के व्लॉग में दीपिका शेव इब्राहिम को स्पेशल फील कराती हैं। 15 साल कंप्लीट होने की खुशी में शेव इब्राहिम को टीवी की दुनिया में पूरे 15 साल हो चुके हैं। उनका पहला शो था पलकों की छांव में। दूसरा, शेव इब्राहिम की यूट्यूब चैनल पर 3.5 मिलियन हो चुके हैं। जैसे कि आपने काफी बार देखा होगा कि ये कहा जाता है कि एक आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है, तो शेव इब्राहिम की कामयाबी के पीछे दीपिका का हाथ है ये बताया जाता था। लेकिन खुद इस बात को दीपिका और शेव ने क्लियर बताया है कि हमारी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। अम्मी ने बहुत अच्छे से किया है। अरे इसकी मस्ती देखो, ये अम्मी ने बहुत अच्छे से किया है और इस चीज के लिए मैं अम्मी को बोलूंगी कि अम्मी आपका सपोर्ट नहीं होता ना तो आपका बच्चा क्या नहीं। उसकी भी हिम्मत थी, सबकी दुआएं थी, हिम्मत थी उसकी, उसका जो दिल की था वालिदा ने उसको पूरा किया। बस अल्लाह वो सलामत रहा, उसकी लंबी उम्र करे, काम को इंशाल्लाह मिल जाए, अल्लाह चाहेगा तो उसकी मम्मा। वो बहुत मेहनती लड़का है और बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि शोएब का बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट सन इन लॉ, बेस्ट ब्रदर, और मेरे लिए तो वो सन ही है, इज द बेस्ट। और वो इतना आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि मुझे विश्वास है कि मैं बोल सकती हूँ कि शोएब एकदम आसमान छुएगा। दैट इज माय विश फ्रॉम माय हार्ट। और सबसे ज्यादा एक बात, सबसे जब से ये आया ये तो हमारे सारे गम, सारी खुशी, सब काम छोड़ के एक तरफ, लेकिन इसकी खुशी एक तरफ हमारी जिंदगी में आया ये। मैं अम्मी पापा को साथ में लूंगा, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज यहाँ पे होता नहीं। ऑब्वियसली बात है, अगर पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे अपने बच्चे को जो वो करना चाहते हैं तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। फिर वो चीजें डिफरेंट होती हैं कि अगर बच्चा निकल गया छोड़ के, तो मेरे साथ टच वुड, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुई हैं। पापा भी साथ में थे, अम्मी भी साथ में थी, और ये रीज़न है कि आज यहाँ तक एक 15 साल की जर्नी जो है वो तय हुई, सब साथ में केक काटते हैं। आ पापा, 15 साल मुबारक हो। दीपिका ने बताया कि अगर अम्मी नहीं होती तो शायद शेव यहाँ तक नहीं पहुँचते। हालांकि ये बात शेव इब्राहिम ने कही थी, ये बात तो सही है, क्योंकि जो बात शेव ने कही थी कि अम्मी ने अपने कंगन बेचकर शेव को मुंबई जाने के लिए पैसे दिए थे, अगर अम्मी अपनी चूड़ियां यानी कि गोल्ड की जो चूड़ियां थी वो नहीं बेचकर शेव को पैसे देकर मुंबई भेजती तो शायद शेव का सपना सपना ही रह जाता। शेव का ये भी कहना था कि मुझे बहुत ज्यादा मतलब जाने की लगी थी मुंबई कि मैं टीवी एक्टर्स बनूं, टीवी में काम करूं, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से और घर के हालात देख करके मुझे लगता था कि शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन अम्मी ने अपनी गोल्ड की चूड़ियां बेचकर शेव को पैसे दिए। हालांकि ये भी बताया शेव ने कि कुछ ही दिन पहले वो चूड़ियां पापा ने अम्मी को बनवा कर दी थी, और पहली बार जब शेव मुंबई जाते हैं तो पापा शेव को लेकर जाते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि जिस सफर पर हम निकल पड़े हैं उस सफर पर कामयाबी मिलेगी या नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप अगर अपने बच्चों के शौक को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो बच्चों को भी चाहिए कि उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। लेकिन शेव भी एक अच्छे इंसान है, उन्होंने जो करके दिखाया, यानी कि काफी बच्चों में देखा गया है कि माँ बाप काफी सपोर्ट करते भी हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होते और कुछ ही टाइम के बाद वो मायूस होकर बैठ जाते, लेकिन शेव ने ऐसा नहीं किया। वो एक के बाद एक टीवी शो करते रहे, उन्होंने काफी सीरियल बनाए, जबकि ये बात काफी लोगों से हमने सुनी है, व्लॉग में भी सुनी है और हमने कमेंट भी पढ़े हैं कि दीपिका की वजह से शेव कामयाब है। नहीं, दीपिका जब शो में काम करती थी यानी कि ससुराल सिमर का, तो तब भी शेव इब्राहिम उससे पहले एक शो में काम कर रहे थे, और जैसे कि दीपिका की एंट्री होती है मतलब ससुराल सिमर का में, तो उसी में शेव की भी होती है, तो वहीं पर ये दोनों मिले थे। हालांकि उस वक्त दीपिका की शादी हुई भी थी लेकिन उनका मतलब फर्स्ट हस्बैंड के साथ कुछ अनबन चल रही थी, जिसके चलते उनका पहले हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया। लेकिन अब बात ये है कि जिस तरीके से अम्मी ने सपोर्ट किया, मतलब शेव को हिम्मत दी,
अम्मी की काफी तारीफ भी होती है क्योंकि सभा को भी अगर यहाँ पर लाने का जो है जो आज वो कामयाब है तो उसके पीछे भी अम्मी को ही क्रेडिट जाता है और शोएब की कामयाबी के पीछे भी अम्मी को ही जाता है। जो लोग कहते हैं कि दीपिका का हाथ है तो वो गलत होगा क्योंकि ये बात खुद भी दीपिका ने कही कि अम्मी की सपोर्ट के बिना शायद शोएब आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। जबकि अम्मी ने इस बात को कहा कि नहीं, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है। हाँ, ये बात सही है कि शोएब ने काफी मेहनत की है, काफी मेहनती इंसान है और हमने शोएब में ये बातें भी देखी है कि वो बिल्कुल भी गुस्से वाले इंसान नहीं है, झगड़ालू नहीं है, किसी से जलत हसद नहीं रखते। वो सिर्फ अपनी जिंदगी में ही खुश रहना पसंद करते, अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हैं। हालांकि दीपिका ने ये बात भी कही है कि इस वाकई में शोएब काफी मेहनत करते हैं, काफी टाइम से वो उबला हुआ खाते, मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके से खाया जाता है क्योंकि जो बॉलीवुड हो या फिर टीवी की दुनिया तो वहां पर अपने आप को फिट रखना पड़ता है। और दीपिका की मम्मी अपनी बेटी से ज्यादा अपने दामाद की तारीफें करती हैं, हमने जब भी देखा तो वो शोएब की तारीफें करते नहीं थकती। दीपिका भी हालांकि काफी मेहनती हैं, दीपिका भी अपनी माँ को क्रेडिट देती हैं कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। दीपिका शोएब एक अच्छे एक्टर हैं, एक अच्छे बहु बेटे भी हैं, एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे पेरेंट्स भी हैं और अपने माँ बाप के लिए एक अच्छे बच्चे भी हैं। दोस्तों के साथ रहते हैं तो दोस्तों के साथ भी उनका अच्छा रिश्ता रहता है। आपने देखा होगा कि चंद दोस्त हैं शोएब के तो वो अक्सर कर आते रहते हैं उनके घर पर। तो दीपिका ने मतलब काफी ख्याल रखती है वैसे तो शोएब का। तो आपने देखा होगा कि मतलब निहारी का बहुत शौक है शोएब को, तो उनकी पसंदीदा निहारी मंगा करके खिलाई। तो ऐसी बीवी भी होना बहुत अच्छी बात है कि अपने हस्बैंड का ध्यान रखे, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखे। तो दीपिका के लिए कहा जाता है कि जब से इब्राहिम फैमिली में आई है तो इब्राहिम फैमिली ही बदल गई है, उनके रहने खाने का सब कुछ बदल चुका है। लेकिन कोई ज्यादातर शोएब को नहीं कहता है, जिस पर आपने देखा होगा कि ये सब जो जाता है क्रेडिट तो शोएब को भी जाता है क्योंकि एक फैमिली को लेकर के चलना कोई इतना आसान नहीं है। घर में मनमुटाव हो जाता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सभा और शोएब को लेकर के काफी बातें सामने आई थी, लेकिन अब आपने देखा होगा कि हालात बिल्कुल ठीक है। छोटी मोटी बातें हर घर में होती, किस घर में नहीं होती। लेकिन कहा जाता है ना कि राय का पहाड़ बनाना कुछ लोग जानते हैं, तो वो इसीलिए छोटी सी छोटी बात को बड़ा बना करके सामने पेश कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ हो रहा है। तो छोटी छोटी बातों पर वो लोग ध्यान देने लगते हैं कि हाँ ये इसलिए हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये उससे नहीं मिला, ये इसमें इस व्लॉग में वो नजर नहीं आया, तो कुछ ना कुछ तो है। मतलब उसके पीछे क्या है वो वजह कोई नहीं जानता, लेकिन लोग जो है कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो लोगों के मन में शक बैठ जाता है, तो उस पर सवाल उठ जाते हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि दीपिका का हाथ है शोएब की कामयाबी के पीछे, तो कामयाबी के पीछे शुरुआत जो है, देखिए अब जो है दीपिका काफी सपोर्ट करती है बैक उसको शोएब इब्राहिम को, लेकिन जो शुरुआत होती है ना जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है वो कदम किस बेस पर बढ़ा है, ना उसके पास पैसा है, ना जान पहचान है, कोई नहीं है। लेकिन अम्मी ने आगे बढ़कर शोएब को सपोर्ट किया, चूड़ियां अपनी बेच करके शोएब को दी, जबकि वो चूड़ियां बहुत प्यार से पापा ने अम्मी को बनवा कर दी थी। उसके बाद शोएब ने काफी अम्मी को गोल्ड दिलाया, चूड़ियां दिलाई, कंगन दिलाए, लेकिन जो वो चूड़ियों की बात थी ना वो अलग ही थी। क्योंकि जब हस्बैंड पहली बार कोई प्यार से लेकर आता है वो इतनी स्पेशल होती है उस औरत के लिए, वो हर कोई औरत समझ सकती है कि उसमें कितना प्यार होता है। तो आप जरा सोचिए जब पापा अम्मी के लिए वो चूड़ियां बनवा कर लेकर आए होंगे तो कितनी खुशी हुई होगी, और उसके कुछ ही दिन के बाद वो चूड़ियां बेच कर अपने बेटे को दी होंगी, तब अम्मी के ऊपर क्या बीत रही होंगी। अम्मी को अपने बेटे शोएब पर पूरा यकीन था क्योंकि वो जानती थी कि उनका बेटा मेहनती है और कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा, जरूर कामयाब होगा। तो वही शोएब ने अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाया। तो हम यही चाहते हैं कि हर वो बेटा अपने माँ बाप के सपने पूरे करे, साथ में अपने तो करता ही है लेकिन अपने माँ बाप को भी, कि उम्मीदें कभी नहीं तोड़े, अपने माँ बाप के
सपने भी पूरे करने की कोशिश करें। माँ बाप के सपने सबसे ज्यादा बड़े वो होते हैं जब उनके बच्चे कामयाब होते हैं। तो माशाल्लाह अम्मी और पापा बहुत किस्मत वाले हैं जो उन्हें इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। जो लोग कहते हैं कि शुएब की कामयाबी के पीछे दीपिका का हाथ है, तो आप यहाँ पर अंदाजा लगाइए कि जब शुएब ने अपना सपना पूरा करना चाहा, पैसा पास नहीं था, इतनी हैसियत नहीं थी शुएब की कि वो कहीं से पैसा अरेंज करके और वो मुंबई आ जाए। तब अम्मी आगे बढ़ी, उन्होंने अपनी चूड़ियां बेची और पापा शुएब को लेकर मुंबई पहुंचे। तो शुएब को अपने पापा का साथ पाकर काफी हौसला मिला, क्योंकि शुएब को ये लग रहा था कि अगर हम यहाँ पर आए हैं, मतलब मन में काफी कुछ चल रहा था कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। और शुएब को एक चिंता ये भी थी कि अम्मी ने मतलब अपनी चूड़ियां, वो कीमती चीज जो पापा ने उन्हें हाल ही में ला कर दी, वो बेच दी हैं, कहीं वो जाया ना हो जाए। मतलब काफी सवाल लेकर के शुएब मुंबई में आए थे, तो वो सवालों को वो सीरियस लेकर उन्होंने कड़ी मेहनत की और कामयाब हुए। तब वो ससुराल सिमरका में दीपिका से मिले। तब वो शुएब काम करते थे, टीवी एक्टर अच्छे थे और उन्हें काफी काम भी मिल रहे थे, काफी उन्होंने सॉन्ग भी किए, एल्बम बनाए। तो तब दीपिका उन्हें वहां मिली थी, तो यानी कि शुएब पहले ही दीपिका के मिलने से टीवी की दुनिया में कदम रख चुके थे। तो ये थी पूरी सच्चाई जिसे दीपिका और शुएब ने बताई है, और शुएब ने पहले भी बताई थी, लेकिन अम्मी ने कहा एक बहुत बड़ी बात कही कि हम सारे दुख गम सब कुछ भूल गए, लेकिन सबसे बड़ी खुशी वो है हमारी जिंदगी में कि हमारी जिंदगी में रूहान आया। सारी खुशियां एक तरफ और रूहान की खुशी एक तरफ, ये बात सही कही है। ये कहा जाता है कि जो दादा दादी होते हैं तो उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा उनके बच्चों की मोहब्बत हो जाती है, यानी कि पोते पोतियों की। हम ये नहीं कहते कि दीपिका ने शुएब को कोई सपोर्ट नहीं किया है, तो शुएब और दीपिका एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि शुएब दीपिका को नहीं सपोर्ट करते, सिर्फ दीपिका ही शुएब को करती है, नहीं, एक दूसरे को करते हैं। और सबसे आगे रहती है सपोर्ट करने में अम्मी। अम्मी कभी भी भेदभाव नहीं करते, दीपिका को वो बेटियों की तरह ही मानती हैं। और शुएब जितने अच्छे बेटे हैं, वो एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता, एक अच्छे दामाद, मतलब हर रिश्ते को बहुत खूबसूरती से मतलब वो निभा रहे हैं। काफी फैंस उनकी तारीफें करते हैं, यूं ही नहीं उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। अब आपसे जा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।